तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इस अभिक्रिया में क्लेंजन अभिक्रिया या क्लेंजन स्मिट अभिक्रिया में एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया एलिफेटिक एल्डिहाइड से करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं वे कुछ इस प्रकार से होते हैं, या तो मैं रिंग पर बना दूँ CHO ग्रुप, या फिर मैं लिख दूँ इसको C6H5CHO। ये सब हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं, एरोमेटिक हैं, ठीक है। बेंजीन एरोमेटिक होती है, इसीलिए बेंजीन पर हमने CHO ग्रुप लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसी में हम आगे बढ़ा के बात कर सकते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड जो मैं बता रहा था वो एल्डिहाइड आपने अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि एसिटैल्डिहाइड। तो इन दोनों की अभिक्रिया मैं करूँगा डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में। डाइल्यूट बेस क्या होता है? तनु क्षार। तनु क्षार की उपस्थिति में ये रिएक्शन होने वाली है, और इस रिएक्शन को आप देखेंगे क्या होगा। देखेंगे यहाँ पर मैं इस कंपाउंड को एक बार हटा रहा हूँ, है ना। यहाँ रिएक्शन किस तरीके से करनी है आप देखेंगे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी, इस रिंग पर उपस्थित जो ऑक्सीजन थी, इस ऑक्सीजन पर एक कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन जो कार्बन है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब आगे मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ CH3 है, CH3CHO है। मैं यहाँ इस CH3CHO को थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, बस इतना सा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। यहाँ CH CHO, ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिखा है। ये एसिटैल्डिहाइड बनने वाला है, CH3CHO एसिटैल्डिहाइड होता है, और मैं इसके दो हाइड्रोजन इधर दिखा रहा हूँ, इधर इसके टू हाइड्रोजन मैं इधर दिखा रहा हूँ, जो कि मेरे पास जो ऑक्सीजन उपस्थित है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते ही हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे। ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हुई है? ये हुई है तनु क्षार की उपस्थिति में, NaOH, डाइल्यूट NaOH मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर रिएक्शन करते ही बता रहा हूँ कि यहाँ से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से जल बाहर गया है, वाटर बाहर निकला है। अब यहाँ क्या होगा, ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। क्या फॉर्म कर लेगी? डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर लेगी, और मेरे पास क्या बनेगा, सिनेमिक एल्डिहाइड मेरे पास फॉर्म हो जाएगा। तो ये CH है बच्चों, मेरे पास ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर क्या है, इस रिंग के ऊपर है CH, CH पर इस कार्बन पर दो क्या है, हमारे पास वैलेंसीज की खाली है, दो वैलेंसी इस कार्बन की, तो दोनों ने एक दूसरे से बॉन्डिंग कर ली है, यहाँ CH और CHO। तो ये मेरे पास सिनेमिक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, ये सिनेमिक एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका आप नाम लिख लीजिएगा, इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, क्या नाम है इस कंपाउंड का, सिनेमिक एल्डिहाइड, ठीक है, सिनेमिक एल्डिहाइड यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसी कंपाउंड को कैसे और बना सकते हैं, मैं इस रिंग को इस बार ऐसे लिख रहा हूँ C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये भी हमारा सिनेमिक एल्डिहाइड है, ये O है भाई, ये भी हमारा सिनेमिक एल्डिहाइड है। अब मैं यहाँ पर रिएक्शन करने वाला हूँ कीटोन से, है ना, कीटोन से करूँगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी रहेगी, कौन सी है वो क्या है हमारे पास, वो है मेरे पास ये रिंग एल्डिहाइड जो हमारे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसकी भी रिएक्शन यहाँ पर करेंगे। देखेंगे क्या होगा, मैं यहाँ से ये कंपाउंड हटा रहा हूँ, फिर दोबारा ही कर लेंगे एक बार और रिएक्शन। तो आप इसकी लैंग्वेज तो आराम से लिख ही लेंगे कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया एलिफेटिक एल्डिहाइड से करते हैं, और ये अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में होती है, तब हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, है ना, निम्न प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, कह सकते हैं हम कि हमारे पास सिनेमिक एल्डिहाइड और बेंजेलडीन एसीटोन प्राप्त होता है। तब हमें जो ये रिएक्शन होती है, जो हमारे पास ये रिएक्शन होती है, ये क्लेंजन अभिक्रिया या क्लेंजन सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। मैं आपको कीटोन से एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। सबसे पहली बात मैंने भी बताया था कि मुझे ये कंपाउंड तो लेना ही पड़ेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड तो इसमें नॉर्मल है, एरोमेटिक एल्डिहाइड से ही यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड मेरे पास है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। मैं किसकी अभिक्रिया कर रहा हूँ, एसीटोन की, एसीटोन को मैं CH3 ये एसीटोन होता है, आप सब जानते हैं। रिएक्शन की डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, है ना, उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। यहाँ से दो हाइड्रोजन जो मेरे पास हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इस दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और बाहर निकल जाएंगे, किसके रूप में, H2O के रूप में, ये गए भाई H2O के रूप में बाहर हो गए। ये रिंग है, इस रिंग को एज इट इज़ बनाएंगे, रिंग पर CH, है ना, और CH के बाद तुरंत मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन से CH CHO
CH3। ये है मेरे पास बेंजिलिडीन एसीटोन, ये बेंजिलिडीन एसीटोन है। इसको मैं एक प्रकार से और लिख सकता हूँ, नाम लिख लीजिएगा बेंजिलिडीन एसीटोन, एसीटोन ठीक है। इस रिंग को मैं C6H5 लिखूँगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COCH3। ये क्या है मेरे पास, ये बेंजिलिडीन एसीटोन है। तो क्या करा हमने, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कह सकते हैं आप बेंजिलडिहाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, बेंजिलडिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, बेंजिलडिहाइड की अभिक्रिया एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में करने पर बेंजिलिडीन एसीटोन प्राप्त होता है और जल बाहर निकलता है। यही अभिक्रिया क्लेंजन सिमिट या क्लेंजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, ओके।